जन सरोकार मंच टोंक राजस्थान फेसबुक लाइव श्रृंखला में आप सभी काव्य मनीषियों एवं साहित्य प्रेमियों का शायर शायरात का दिल की गहराइयों से आदाब पेश करता हूं। और लाइव जुड़ने के लिए आप सब साथियों अपना परिचय देने से पहले मैं बलरामपुर की गंगा जमुनी तहजीब साहित्य और अदब से परिचय कराना जरूरी समझता हूँ। बलरामपुर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी जो नेपाल के बॉर्डर तक फैली हुई थी। शिक्षा की अलग जगाने में रियासत का बड़ा योगदान है। साहित्य एवं अदब के क्षेत्र में बलरामपुर हमेशा अग्रणी रहा है। बलरामपुर के जनाब ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित सरदार अली जाफरी, ईश्वर शरण श्रीवास्तव, नानक चंद इशरत, जनाब मेहंदी हसन रिजवी, प्रोफेसर अंजुम इरफानी एवं पद्मश्री एवं यश भारती से सम्मानित जनाब बेकल उत्साही साहब त्यार, जिन लोगों का हमने नाम लिया है अब ये साहित्य प्रेमी दुनिया में नहीं है, जो नए शायर हैं जो अभी हैं उनमें जनाब खलील अहमद खलील साहब, डॉक्टर अनिल गौर जी, डॉक्टर ए पी पांडे जी और डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब का नाम सर फहरिस्त है। बलरामपुर में जहां दैवीय शक्ति पीठ है वहीं सरकार वारिस अली शाह कौमी एकजहती के अलमबरदार बाबा हुरमत शाह वारसी की दरगाह भी है। बलरामपुर का मुहर्रम विश्व प्रसिद्ध है जिसका उल्लेख सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब ने केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में किया है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक मरहूम जहां बेकल उत्साही का ये शेर दोहा मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, समाप्त फरमाए। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान, वजू करूं अजमेर में काशी में स्नान। और समाप्त फरमाए, मैं खुसरो का वंशधर, अवधपुरी है धाम, सांस सांस में सीता बसी, रोम रोम में राम। संक्षिप्त परिचय मेरा, मैं डॉक्टर अब्दुल सुभान खां शाद बलरामपुरी जनपद बलरामपुर यूपी का रहने वाला हूँ। इब्तदाई तालीम बीएससी तक बलरामपुर में, डिप्लोमा इन फार्मेसी सहारनपुर से किया, बीयूएमएस स्टेट टीटी मेडिकल कॉलेज लखनऊ से पूरी किया। 12 साल प्राइवेट प्रैक्टिस करने के पश्चात जनवरी 2001 में यूपी स्टेट गवर्नमेंट में चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति हुई और 30 जून 2020 को अपनी अर्धवर्षता पूरी कर चुका हूं। दोस्तों
शायरी की शुरुआत 1981 में हुई। उस दौरान से अब तक गजल, गीत, दोहे, ना तो मन पवत लिखे और ये अनवरत जारी है। साथियों, शायरी की शुरुआत हम और नात से कर रहा हूं, समाप्त फरमाएं। मेरे खुदा तू मेरी जिस्त मौत बर कर दे, मेरे खुदा तू मेरी जिस्त मौत बर कर दे, तू मेरे दिल पे मोहब्बत का वो असर कर दे, मैं एक बंदे नाचीज हूँ तेरा या रब, मैं एक बंदे नाचीज हूँ तेरा या रब, तू मुझको अपनी मोहब्बत में नाम कर दे। और इसके बाद हमारे साथ जन सरोकार मंच टोंक के लिए जुड़ चुके हैं, देवेंद्र जोशी साहब जुड़ चुके हुए हैं। मैं सबका खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों दो शेर नाते पाक के अर्ज कर रहा हूं, समाप्त फरमाएं। अगर मुझ पर निगाह है मदे मुख्तार हो जाए, अगर मुझ पर निगाह है मदे मुख्तार हो जाए, तो मेरी डूबती कश्ती, तो मेरी डूबती कश्ती भंवर के पार हो जाए, तो मेरी डूबती कश्ती भंवर के पार हो जाए। मतलब आप हजरात समाप्त फरमाएं। पसे मुर्दन लहद में शाद की आंखें खुली रखना, पसे मुर्दन लहद में शाद की आंखें खुली रखना, बहुत मुमकिन है उनका का में दीदार हो जाए, बहुत किन है उनका कब्र में दीदार हो जाए। जय जनाब देवेंद्र जोशी जी, जन सरोकार मंच के साथीगण हमसे जुड़ चुके हैं। मेरी ख्वाहिश है और लोग जिनको
लिंक मिला हुआ है वो हमसे जुड़ जाएं। कुछ चुनिंदा गजलों के चुनिंदा अशआर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। आप अपनी दुआओं से नवाज दीजिए। पहली गजल के चंद शेर में हाजिर कर रहा हूँ, आप जरा समाप्त फरमाएं। यूं तो मिलते हैं बहुत मिलने मिलाने वाले, यूं तो मिल निभाने वाले हैं कहाँ दर्द के। और ये शेर भी समाप्त फरमाए। जो छुपाते हैं उजालों से चेहरे अपने, जो छुपाते उजालों से चेहरे अपने, हैं वही लोग चिरागों को बुझाने वाले, हैं वही लोग। मक्ता भी हाजिर कर रहा हूँ, आप हजरात समाज फरमाए। दोस्त रहना है अगर शाद तो बचना उनसे, दोस्त रहना है अगर शाद तो बचना उनसे, दोस्त रहते हैं कहाँ दोस्त बनाने वाले, दोस्त रहते हैं कहाँ दोस्त बनाने वाले, यूं तो मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जन सरोकार मंच का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। मैं दो तीन शब्द और आपके सामने हाजिर कर रहा हूँ। तुम्हारी याद ने जब दिल को बेकरार किया, तुम्हारी याद ने तुम्हारी याद
जब दिल को बेकरार किया, बगैर कश्ती के दरिया को हमने पार किया। जरा तुलसीदास जी का जो है इश्क समा फरमाए, बगैर कश्ती के दरिया को हमने पार किया। और मतलब सानी भी समाप्त फरमाए, शेर समाप्त फरमाए हजरत, बजाए अश्क टपकता है खून आँखों से, बजाए अश्क टपकता है खून आँखों से, अजीब रंग तेरे गम ने अख्तियार किया, अजीब रंग तेरे। और मतलब ये देखिएगा आप हजरात, कभी न रोए मगर शाद आज जाने मगर शाद आज जाने क्यों, किसी की याद ने आंखों को अश्क बार किया, किसी की याद ने। एक मतलब दो तीन शेर एक और गजल के समाप्त फरमाया हजरत, मतलब हाजिर कर रहा हूं। जद में सोलो के बाद सारा है, जद में शोलो के बाद सारा है, चंद दिन को का क्या सहारा है, चंद तिनकों का क्या सहारा है। और ये जो हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं लाल किला, ताजमहल और दीगर इमारात, उसके हवाले से ये शेर समाप्त फरमाए, नक्श छोड़े हैं इस तरह हमने, नक्श छोड़े हैं इस तरह हमने, बाकी अब तक निशान हमारा है, बाकी अब तक निशान हमारा है। और इस खास तौर जो चाहता हूँ हजरात का, इस शेर के लिए पूरी गजल लिखी गई थी, मैं हाजिर कर रहा हूँ।
जिसको दो गज जमीन न मिल पाई, जिसको दो गज जमीन न मिल पाई, वो ही कहता था सब हमारा है, वो ही कहता था सब हमारा है। और मक्का भी देखें आप हजरात, इस दौर के शाद इंसान देखो, इस दौर के शाद इंसान देखो, टूटा टूटा थका हारा है, चंद दिन को का क्या सहारा है, वो ही कहता था सब हमारा है। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान खान। वालेकुम अस्सलाम, बस आप जुड़े रहिए, इंशाल्लाह मैं बात पूरी करूंगा अपनी। एक और गजल के दो तीन शेर मैं हाजिर कर रहा हूँ। यतीमों से यहाँ आकर सखावत कौन करता है, यतीमों से यहाँ सखावत कौन करता है, अनार जर में डूबे सब, अनार जर में डूबे सब, इनायत कौन करता है, अनार जर में डूबे सब। शेर समाप्त फरमाए हजरत। गले तक रहनुमा सारे, गले तक रहनुमा सारे, करप्शन में तो है डूबे, गले तक रहनुमा सारे, करप्शन में तो है डूबे, गरीबी को मिटाने की, गरीबी को मिटाने की सियासत कौन करता है, गरीबी को मिटाने की। मक्ता भी देखें आप हजरात। ये दुनिया है यहाँ हर आदमी बंदा गरज का है, ये दुनिया है यहाँ हर आदमी बंदा गरज का है, किसी से शाद बेमकसद, किसी से शाद बेमकसद, मोहब्बत कौन करता है, यतीमों से यहाँ फिर सखावत कौन करता है, अनाथ
गजल के दो तीन शेर। बैठ जाइए ऑनलाइन प्रोग्राम से। ये गजल के दो तीन शेर मैं हाजिर कर रहा हूँ हजरत, समाप्त फरमाए। ममता जर्जी जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं शेर हाजिर कर रहा हूँ। आएगा कौन इस दिले खाना खराब में, आएगा कौन इस दिले खाना खराब में, ऐ इश्क तूने डाल दिया है अजाब में। शेर समा फरमाए। तुमने दिए थे गुल कभी उल्फत में जो हमें, तुमने दिए थे गुल कभी उल्फत में जो महफूज हैं वो आज भी दिल की किताब में, महफूज हैं वो आज भी दिल की किताब में। ये हादसा नहीं है मोहब्बत की है दलील, ये हादसा नहीं है मोहब्बत की है दलील, जाहिद शराब पी गया मेरे हिसाब में, जाहिद शराब पी गया मेरे हिसाब में। और शेर पे खास कर जो चाहता हूँ आप जरा, कैसे तुम्हारे हुस्न की दू चांद से मिसाल, कैसे तुम्हारे हुस्न की दू चांद से मिसाल, मुझको खबर है दाग भी है माहताब में, मुझको खबर है दाग भी है माहताब में। और मक्ता जी देखिएगा हजरत, लफ्जों से खेलना ही नहीं शायरी है शायद, लफ्जों से खेलना ही नहीं शायरी है शायद, एक हुस्न होना चाहिए तर्ज़े खिताब में, होना चाहिए तर्ज़े खिताब में। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात का।
रेहान खान, ममता अध्यक्ष जी, जन सरोकार मंच टोंक, मैं कुछ शेर अपनी गजलों के और पेश कर रहा हूँ। समाप्त फरमाया हजरत, जो हवा शोलों को हमराह लेके आई है, जो हवा शोलों को हमराह लेके आई है, लग गई आग तो खामोश तमाशाई है, लग गई आग तो खामोश तमाशाई है, इसलिए भीड़ में हर शख्स तमाशाई है, इसलिए भीड़ में हर शख्स तमाशाई है, ये जो मक़तूल है कातिल का सगा भाई है, ये जो मक़तूल है कातिल का सगा भाई है। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत, मैं शेर हाजिर कर रहा हूँ कश्मीर के हवाले से। देखिएगा शेर, कौन सुलझाएगा कश्मीर की उलझी गुत्थी, कौन सुलझाएगा कश्मीर की उलझी गुत्थी, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। और मतलब भी देख लिया हजरत, गैर फिरता है तेरी बाहों में बाहें डाले, गैर फिरता है तेरी बाहों में बाहें डाले, शाद के साथ तेरी याद है तन्हाई है, शाद के साथ तेरी याद है तन्हाई है, शाद के साथ तेरी याद है तन्हाई है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत का, खूब सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं शेर और हाजिर कर रहा हूँ, तहत में कुछ शेर मैंने अभी नहीं पढ़ा, तो तहत में कुछ शेर मैं पढ़ देता हूँ। शेर हाजिर कर रहा हूँ, समाप्त करना है। पुरखार उपुर खतर है सफर सोच लीजिए, पुरखार उपुर खतर है सफर सोच लीजिए, हर गांव पे रहजन का है डर सोच लीजिए, और दुनिया के सीमो जर में मुलविस न हो बहुत, दुनिया के सीमो जर में मुलविस न हो बहुत, वरना खुदा भी लेगा खबर सोच लीजिए। और शेर हाजिर कर रहा हूँ, उस बेवफा की याद में रोएंगे गर हुजूर, उस बेवफा की याद में रोएंगे गर हुजूर, भर जाएंगे दामन में गोहर सोच लीजिए। और शेर हाजिर कर रहा हूँ, अशकों से आप यारी अगर कीजिएगा शाद, अशकों से आप यारी कहते हैं बस आप, अशकों से आप यारी अगर कीजिएगा शाद, सूख जाएगा उल्फत का शजर सोच लीजिए, सूख जाएगा उल्फत का शजर सोच लीजिए,
पुरखार और पुरखतर है सफर, सोच लीजिए। मैं अपनी काव्य पाठ शायरी का अख्ताम करने वाला हूँ, चार पांच शेर और मैं आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ। समात फरमाएं। तोहमत किसी पे यूं ही लगाता नहीं कोई, तोहमत किसी पे यूं ही लगाता नहीं कोई, तोहमत किसी पे यूं ही लगाता नहीं कोई, शाहों को ऐसे चोर बताता नहीं कोई, शाहों को ऐसे चोर सपने जिगर कुरेद कर चल देते हैं सभी, सपने जिगर कुरेद कर चल देते हैं सभी, मरहम तो राहतों का लगाता नहीं कोई, मरहम तो राहतों का लगाता नहीं कोई, जो खूब सायादार हो फल फूल भी जो दे, जो खूब सायादार हो फल फूल भी जो दे, ऐसा यहाँ दरख्त लगाता नहीं कोई, ऐसा यहाँ दरख्त लगाता नहीं कोई। और शेर हाजिर कर रहा हूँ अपने कौम के हवाले से। सोई हुई ये कौम है जागेगी कैसे शाद, सोई हुई ये कौम है जागेगी कैसे शाद, परचम भी रहे बरी का उठाता नहीं कोई, परचम भी रहे बरी का उठाता नहीं कोई। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, आपने इतना वक्त दिया, मैं सभी का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे अपनी मोहब्बत से सुना सराहा। मैं अब अंत में जन सरोकार मंच के सभी सम्मानित एडमिन्स एवं सदस्यों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस नाचीज को, एक अदना से शायर को, एक अदना से शायर को फेसबुक लाइव आने का मौका दिया। और मैं शुक्रगुजार हूँ सभी साथियों का जिन्होंने फेसबुक लाइव पे मेरा कार्यक्रम देखा, मुझसे जुड़े और मेरी हौसला अफजाई की। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।